मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। मित्रों, आपको एक बात पता होगी कि जब हमें भूख लगती है तो हमारे पेट में कुछ कुछ होने लगता है। जब और ज़्यादा भूख लगती है तो और ज़्यादा गुदगुदी सी कह लो या कोई दर्द कह लो, या कुछ लोग कहते हैं ये हमारी आंतें कुल बुलाने लग गई हैं। मतलब आंतें कुल बुलाने का मतलब कि आंतों के अंदर कुछ इस तरह की हरकतें होनी शुरू होती है जैसे दर्द हो रहा, लेकिन वो दर्द भी नहीं होता है, लेकिन कुछ ना कुछ फीलिंग जरूर हो रही होती है। तो वो क्या होता है, वो ऐसा क्यों होता है, मैं आज आपको इसके बारे में बताता हूँ। जब हमें भूख लगती है तो हमारे पेट के अंदर जो आंतें होती हैं उनके अंदर एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती हैं जो हरदम होती रहती है, जिसकी वजह से हमारे स्टमक के अंदर जो खाना होता है वो नीचे जाता है, फिर वो उस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से वो चलते चलते धीरे 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 आगे स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है लार्ज इंटेस्टाइन तक जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में काफ़ी सारा एब्जॉर्ब हो जाता है, जो थोड़ा बहुत बचता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर बाकी का जो वेस्ट प्रोडक्ट रह जाता है वो पॉटी के रूप में बाहर निकल जाता है। लेकिन जब हमें हमारा पेट खाली होता है तब भी ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती हैं ये थोड़ी बढ़ जाती हैं। जब इनके बढ़ने की वजह से फिर क्या होता है कि हमें वो फील होने लगती हैं कि भाई हमारे आंतों में कुछ हो रहा है, जैसे क्रैम्प आ रहा है या स्पैजम हो रहा है या आंतें खींच रही है, आंतों में संकुचन ज़्यादा हो रहा है, इस तरह की फीलिंग्स आती हैं, जिसको हम ये कहते हैं कि पेट के अंदर जो है वो चूहे दौड़ रहे हैं, कोई कहता है बिल्ली दौड़ रही है, कोई मतलब अलग अलग नाम से बोलते हैं, और इसको हम इंग्लिश के अंदर या डॉक्टरी भाषा में हंगर पेरिस्टाल्सिस भी बोलते हैं। हंगर पेरिस्टाल्सिस का मतलब होता है कि भूख की वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का बढ़ जाना, तो इस तरह से इसको हम हंगर पेरिस्टाल्सिस बोल सकते हैं या पेट में चूहे कूदते हैं कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका कारण क्या होता है वो मैंने आपको बताया है। धन्यवाद दोस्तों।